सभी को नमस्कार। आइए मेरे दोस्तों, आज हम जो है भाग दो शुरू करेंगे। ठीक है, भाग दो जो वर्ग हम निकाल रहे हैं स्क्वायर, तो उसका भाग दो शुरू करेंगे। ठीक है, आइए इसे देखते हैं। भाग दो शुरू करेंगे, आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले मैं बड़ी संख्या लेता हूं। आप अगर पहला पार्ट देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम कुछ एग्जांपल लेंगे, कुछ बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सबसे पहले 35, 35 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 35 का स्क्वायर करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहां बेस वैल्यू जो है, बेस वैल्यू क्या मानता हूं, मैं मान लेता हूं 30 है। ठीक है, 30 है। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, जो इकाई है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 बजे 25 हुआ, 25 की 5 किया और यहां मैं कैरी किया 2। ठीक है, 2 कैरी कर लिया। अब क्या करेंगे, यह जो बेस वैल्यू 30 है, 35 इससे कितना ज्यादा है, 35 5 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना हम और ऐड करेंगे। ठीक है, कितना हो गया, 40 हो गया, 40 हुआ। अब बेस वैल्यू 30 माने थे तो हम किससे गुणा करेंगे, 3 से, 3 से गुणा करेंगे, 20 मानता 2 से, 40 मानता 4 से, 3 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 120 हो गया। अब 2 कैरी किया था, 2 ऐड करेंगे तो 122 हो जाएगा, 122। तो आपका आंसर क्या हुआ, 1225, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन ले, 37 लेता हूँ, 37 का स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस वैल्यू मानेंगे, बेस वैल्यू इसका कितना, मैं 30 लेता हूँ बेस वैल्यू। ओके, अब जब 30 लिया बेस वैल्यू, तो सबसे पहले 7 × 7 = 49 की 9, हाथ लगा 4, हासिल 4 आया, यहाँ 4 में कैरी कर लिया। अब 37 है, 30 से 37 कितना, 7 बड़ा है, 7 बड़ा है तो 7 और ऐड करेंगे, यानी कि 7 और बड़ा है, 7 ऐड किया प्लस और एक बार 7 ऐड करेंगे, यानी 2 बार। ठीक है, तो कितना हो गया, यह 44 हो गया। 44 में अब कितने से गुणा करेंगे, 3 से, क्योंकि बेस वैल्यू 30 माने हैं, तो 30 3 से गुणा कर देते हैं, कितना आ गया, 3 × 4 = 12 की 2, 3 × 4 = 12, 12 × 1 = 13, ये हुआ ना। ओके, अब 132 और 4 36, 136, आपका आंसर कितना हो गया, 1369, ये आपका राइट आंसर हो गया। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, आप यहाँ देखिए, मैं मान लेता हूँ वह कोई नंबर है, एक मैं मान लिया 45 का मैं बोला कि स्क्वायर कैसी है, तो चलो ठीक है 45 का स्क्वायर करते हैं। अब देखो यहां मैं मान लेता हूं इसका जो बेस वैल्यू है, इसका बेस वैल्यू अभी 40 मानता हूं, इसका बेस वैल्यू क्या है, 40 है, 40 में मान लिया बेस वैल्यू। सबसे पहले 5 का वर्ग करेंगे, यहां 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25 की 5 हाथ लगा 2, यहां 2 कैरी कर लिया मैं। ओके, यहां ऐड करना है। अब देखो 45 है, 40 से बेस वैल्यू 40 माना हो, 40 से 45 कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, 5 दूनी 10, 10 हम और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 में कितने से गुणा करेंगे, 40 बेस वैल्यू है, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा, और कितना ऐड करेंगे, 2, तो कितना हो गया, 202, तो 2025 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप कितना भी नंबर बड़ा लें, आप आसानी से तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप इसे आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ देखिए, मैं मान लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर 55 इसका आप स्क्वायर कीजिए, तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो हम बेस वैल्यू यहाँ 50 लेंगे, क्या लेंगे, 50। अब सबसे पहले 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, 5 से 25 हो गया, हाथ कैरी किया कितना किया, 2। ठीक है, अब 50 हुआ,
अब 50 से 55 कितना, 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है तो 5 जितना ज्यादा है उसका दुगना आपको ऐड करना है, 5 दुनी 10, 10 हम और ऐड करेंगे कितना हो गया 60, गुणा कितने से करेंगे, बेस वैल्यू 50 लिया हूँ 5 से गुणा करूंगा, 5 से गुणा कर देते हैं कितना आ गया 300 हो गया 300, अब 300 में 2 जोड़ना है 302 हो गया, तो आपका आंसर कितना हो गया 3025, 3025 आपका राइट आंसर हो गया 3025। इस तरह से आप किसी भी संख्या का आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, विद इन ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड लगेगा आपको निकालने में, ठीक है, और भी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो और भी जल्दी निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से आसानी से जो है किसी भी नंबर का जो है आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है, आप आसानी से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, सिर्फ अभ्यास अगर आप करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आप जल्दी से इसे निकाल पाएंगे, ठीक है। आइए हम और एक दो एग्जांपल देखते हैं और चीजों को समझते हैं। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, बहुत बड़ी संख्या लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ 72 ले लिया, ठीक है, 72 ले लिया, 72 को जो है हमें बताना है इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले मैं इसका बेस वैल्यू लेता हूँ, बेस वैल्यू इसका मैं क्या ले लिया 70 ले लिया, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो 70 से 72 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना हम आउट ऐड करेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 ऐड कर दिया कितना हो गया 74 हो गया। 74 में किससे गुणा करेंगे, बेस वैल्यू में 70 लिया हूं तो 7 से गुणा करूंगा, ठीक है, तो 7 चौक 28 की 8, हाथ लगा 2, 7 सते 49, 7 सते 49 और 49 तो 51, 518 कितना हुआ 518, तो 518 लिखेंगे, 518 तो आपका आंसर कितना हो गया 5184 आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ देखो और एग्जांपल लेते हैं, मैं 77 ले लिया, 77 का आप स्क्वायर निकालिए तो 77 बेस वैल्यू में 70 लिया, यहाँ बेस वैल्यू 70 लिया, 7 सते 49 हुआ, 4 कैरी किया, ठीक है, यहाँ 4 कैरी कर लेता हूँ मैं, 4 कैरी किया। तो अब देखिए 70 से 77 7 ज्यादा है, 7 दूनी 14, 14 हम ऐड करेंगे, जितना ज्यादा उतना और जोड़ लीजिए, 7 14 14 ऐड कर दिया कितना हो गया 84 हो गया, 84 में 7 से गुणा कर दीजिए कितना हो गया 7 चौक 28 हो गया, 7 8 56, 56 और 2 कितना हो गया 58, 588 में 4 और ऐड कर देंगे कितना हो गया 92 हो गया, 592, 5929 इसका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो गया। आइए और एग्जांपल लेते हैं, आप जो है इसे समझ लेंगे, जब अभ्यास करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, देखिए मैं मान लेता हूं एक नंबर ले लेता हूं 84, इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है, 84 का स्क्वायर कीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ बेस वैल्यू पहले लेंगे, बेस वैल्यू 80 मान लेंगे, ओके, 4 चौक 16, पहले इकाई का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 16 की 6, हाथ हासी लेख, यहाँ हासी लेख एक कैरी किया, यहाँ हासी लेख लिया, तो अब देखिए 80 हुआ, 80 और 4 84, 4 ज्यादा है, 4 दूनी 8, 8 ऐड करेंगे, जितना ज्यादा है उसका दुगना, 8 ऐड किया तो 88 हो गया, 88 में अब किससे गुणा करेंगे 8 से, क्योंकि 80 बेस वैल्यू लिया तो 8 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा कर देंगे कितना हो गया 8 28 64 की 4, 8 28 64, 64 और 6, 28 64 की 4, 28 64, 64 और 6 70 हो गया, 704 704 में 1 जोड़ेंगे 705, तो 705
7056 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, राइट आंसर हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये लास्ट एग्जांपल है, आप इसे समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, लास्ट एग्जांपल लेते हैं, आप देख सकते हैं इसे। मैं लिया 95 का स्क्वायर करना है, बेस वैल्यू में क्या लिया, बेस वैल्यू में 90 लिया। पाँच, सबसे पहले पाँच इकाई का स्क्वायर करेंगे, पाँच का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, 25 की पाँच हाथ लगा दो, हाथ से लिया दो आया। ठीक है, अब देखो 90 से 95 यानी पाँच बड़ा है, पाँच बड़ा है, पाँच दूनी दस, दस ऐड करेंगे 100 हो गया। अब 100 में किससे गुणा करेंगे, 9 से, क्योंकि 90 लिया था ना बेस वैल्यू, तो 9 से गुणा किया 900 हो गया, 900 और 2 कितना हो गया 902, 9025 इसका आप राइट आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह से सभी किसी भी संख्या का आप स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप अभ्यास करेंगे तो 100% आप 10 से 5 सेकंड में निकाल लेंगे।